बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। मेरे भाई को तुम्हारे डैड ने धमकाया। बहुत मुबारक हो आपको, अपने बेटे की खुशियाँ, उसकी जिंदगी अपने कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया आपने। हम एक दफा तमाशा लगा बैठे हैं, दूसरा तमाशा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तमाशा तो मेरा बना हुआ है ना, दुल्हन बनके मैं पूरी दुनिया में जाके वहां घूम रही हूं, वो भी इसके भाई की वजह से। जाहिर को भेजो आसिफ, वरना इसके साथ और बहुत सी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। मेल ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं कि जैसे ही मुबशरा को पता चलता है अपने भाई से कि ये सारा कुछ जहद के वालिद का ही किया धरा है, फौरन ही आयरा वहां पहुंचती है जहां जहद और मुबशरा का निकाह हो रहा होता है। वहां पहुंचकर आयरा तो सारा भेद खोल देती है और जहद को बता देती है कि ये सब कुछ तुम्हारे बाप ने ही किया है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और ये धोखा करने वाला और कोई भी नहीं सिर्फ तुम्हारा बाप है। तो अब जहद साहब भी अपने वालिद से बहुत खफा हैं क्योंकि उसने अपने वालिद साहब की बात मानते हुए मुबशरा से शादी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो जहद साहब नहीं जानते थे कि जो आयरा के भाई ने हमारी इंसल्ट की और हमें अपने घर से निकाल दिया तो उसके पीछे भी उसका अपना ही वालिद था। वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो आयरा से हो, जबकि जहद की शादी उसका वालिद नहीं करवाना चाहता था आयरा से। तो इसी बिना पर उसकी